खबर रीवा शहर से है, जहां लगातार 13 दिन से व्यापारी संघ न्यास बाजार सिरमौर चौराहा में व्यापारियों का धरना चालू है, जिसमें आज धरने में कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। वहीं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा व रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा भी व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे और रीवा विधायक व भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, रीवा शहर को समदड़िया बिल्डर के नाम बेचा जा रहा है। सिरमौर चौराहे में बनी 90 दुकानों को हटाकर राजेंद्र शुक्ला यह कौन सा पाप कर रहे हैं। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 90 दुकानदारों ने बैंकों से लोन लेकर दुकानें खोली हैं, उनके परिवार का क्या होगा, जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। जो सड़क पहले नीचे 20 पे अच्छे चल रही थी, उसको 20 पे ऊपर ले जाने से क्या फायदा, और नीचे क्या करोगे आप, उसके नीचे फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग या अतिक्रमण हो जाएगा। देखिए, सिरमौर चौराहा के व्यापारियों संघ का ये 13वां दिन का कर्मी कंसन जारी है और रीवा के डेवलपमेंट और विकास पुरुष कहे जाने वाले रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने एक ऐसा नया कार्य कर दिया है कि अभी तक तो वो ज़मीनें बेचते थे और उन ज़मीनों को मान लीजिए कहा जाए बेचते थे कि जो कहते थे कि ये अनयूज हैं, इनका उपयोग नहीं है, ये मकान सड़ रहे हैं, ये बिल्डिंगें सड़ रही हैं। पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि रीवा के 90 दुकानदारों की सिरमौर चौराहा से जो यूनिवर्सिटी मार्ग में बनी है उनको चलती दुकानों को गिरवाने की व्यवस्था की जा रही है और विस्थापित करके उनको पीछे दिया जा रहा, उसके आगे समदरिया बिल्डर को मॉल बनाने के लिए ये दुकानें दे रहे हैं। ये बहुत अन्याय वाला कार्य है और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी इनको विस्थापन की नोटिस नहीं दी गई है और न विस्थापित किया जा रहा है। 2022-42 तक की इनकी लीज भी रिन्यूअल की है नगर निगम ने। ये सभी लोग प्रॉपर हर साल अपना संपत्ति कर, शिक्षा उपकर और कचरा कर भी दे रहे हैं। ऐसे में इन दुकानदारों के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, हमारे MIC के मेंबर निर्माण विभाग के सम्मानित धनेन्द्र सिंह जी, अमित चतुर्वेदी जी, हमारे नेता राजेश मिश्रा बब्बू, हमने आपको बता तो दिया, ऐसी कई जमीनें भी हैं, सरकारी जमीनें, सारी ज़मीनों की जांच कराएंगे। 2023 में सरकार आने दीजिए, सारी ज़मीनों की जांच कराएंगे। जो रिवर फ्रंट है, इको पार्क है, जो सब फर्जी ढंग से बन रहे हैं, NGT के मतलब शुद्ध शुद्ध आदेशों का खुला उल्लंघन करके इको पार्क बनाया जा रहा है, उसका हम लोगों ने जो हमारी सरकार 13 महीने की थी संविधान, उसकी निविदा निरस्त करा दी, उसकी निविदा निरस्त निविदा को कैसे रिन्यूअल किया गया इसकी भी जांच कराएंगे। एक एक मुद्दे को हम लोग पकड़ के जांच कराएंगे। 2023 का चुनाव होने दीजिए, कांग्रेस सरकार बनेगी और ये सारा भ्रष्टाचार खोल देंगे। व्यापारियों के साथ तो हम खड़े ही हैं, नगर निगम का महापौर और उसकी MIC और कांग्रेस के सम्मानित सारे नेता, हमारे इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, धनेन्द्र सिंह जी बघेल, सब लोग, हम लोग और राजेश मिश्रा बब्बू हमारे कांग्रेस के नेता, ये तो मोर्चा ही थामे हुए हैं। तो कांग्रेस तो व्यापारियों के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रही। गरीब, छोटा मजदूर, किसान, व्यापारी जो भी है वो कांग्रेस का साथ। सर्व सुविधा नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें
07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।